बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। क्या वास्को डिगामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज थी जिसे खोजा जाए? हमें पढ़ाया यह जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी, जबकि पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डिगामा ने पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया, क्योंकि यूरोपियंस के लिए भारत अनजान था, ना कि पूरी दुनिया के लिए। भारत का व्यापारिक संबंध कई एशियन और अफ्रीकन देशों के साथ वास्को डिगामा के आने के पहले से ही कई शताब्दियों से चला आ रहा था। दरअसल यूरोप अरब के देशों से ही मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि यह मसाले जो उन्हें बेच रहा है वह पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। एक कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे और यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। इस वीडियो में कई ऐसे इंटरेस्टिंग पहलू हैं जिसे देखने के बाद यकीन मानिए इतिहास को समझने का आपका नजरिया बदल जाएगा, इसलिए इसे बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक। लंबे समय तक मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा सकते हो। आप इस टॉपिक पर क्या विचार रखते हो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जहां तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के दूसरी ओर तीन ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के तीन ही रास्ते थे। पहला रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के कई नाविक निकल पड़े जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था लेकिन देखा नहीं। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के निवासियों को रेड इंडियन का नाम दे डाला। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते केरल राज्य के कालीकट नाम के जगह पर पहुंच गए और इस तरह यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। वहां पहुंचने के बाद वास्को डिगामा वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को डिगामा पुर्तगाल वापस लौट गए। वर्ष 1499 तक भारत की खोज की यह खबर पूरी यूरोप में फैल चुकी थी। वास्को डिगामा ने व्यापारियों के साथ साथ यूरोप के लुटेरों और शासकों के लिए भी एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आते रहे। पुर्तगालियों की वजह से ही ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे और लगभग वास्को डिगामा के आने के 100 साल बाद सन 1600 में ब्रिटिशों ने अपनी एक कंपनी भी खोल डाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और आगे तो आप जानते ही हैं, फिर इतिहास बन गई। इनके आने से इस देश में कई अच्छी और नई चीजें भी हुई। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट।